तो आज के वीडियो में आप देखेंगे एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, यानी कि एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट करने का जो फॉर्मूला होता है, मैनुअल फॉर्मूला, वो कैसे होता है, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका फार्मूला आता है एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि ALC, तो WBC मल्टीप्लाई लिम्फोसाइट डिवाइडेड बाई 100, ये इसका मैनुअल फार्मूला होता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हम CBC रिपोर्ट करते हैं तो जिसमें हमारा WBC का जो काउंट है वो 8500 आ रहा है, उसमें लिम्फोसाइट अगर 45 आ रहा है तो हम 8500 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 100, तो नीचे के जो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 के दो जीरो से 8500 का दो जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 45, यानी कि ALC 85 मल्टीप्लाई हम 45 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 3825 3825 एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। अब इसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो कैसे पता करेंगे, तो आगे मैं आपको नॉर्मल रेंजेस बताता हूँ। इसके यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जहाँ तक इसका जो नॉर्मल रेंजेस की बात होती है तो इसका नॉर्मल रेंज 1000 से लेकर 3000 के बीच में नॉर्मल होता है एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, और इसका जो यूनिट होता है पर क्यूबिक MM। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।